नाम मेरा प्रभात भारती। प्रभात जी, ये जो स्कूल की हम स्थिति देख रहे हैं, ये काफ़ी कूड़ा पड़ा हुआ है, इमारत भी जर्जर है जी, तो कब से क्या ये यहाँ समस्याएं चल रही हैं? ये समस्या तो हमको तो 25 साल हो चुके हैं, और जब मैं 20 साल का यहाँ 20 साल से देख रहा हूँ, समस्याएं बहुत हैं जी। क्या क्या समस्याएं? समस्या यही है कि यहाँ गंदगी बहुत है, और ये स्कूल में बच्चे बेचारे बैठते हैं। हम लोग तो कई महीनों से, कई सालों से प्रयास में कि यहाँ लाइट लग जाए, मगर कुछ हो ही नहीं पा रहा। कई नेताओं का पैसा ही पास हो गया, यहाँ दीवारें उठी, सब उठी, मगर कुछ काम नहीं हो पाया। मलबा वसई का पड़ता रहा और कुछ यहाँ पे सही नहीं हुआ। बच्चे वसई आ रहे हैं, ज़मीन में बैठते थे, अब तो आ गई हैं कुर्सियाँ थोड़ी बहुत, पहले तो सब ज़मीन में बैठते थे। कुछ हादसे भी हुए यहाँ पे बिल्डिंग? हाँ, एक हादसा हुआ था जो मेरी मम्मी बताती हैं, यहाँ रजेश हैं, उनकी माता जी इस स्कूल में दब के एक्सपायर हो गई। वो आज भी अनाथ हैं, वो यहीं स्कूल में रहते हैं। उसके बाद भी कोई नहीं जागा प्रशासन? कोई जागा नहीं प्रशासन, वो अभी ऐसा ही का ऐसा ही है, जब से मैं देख रहा हूँ ऐसा ही का ऐसा ही स्कूल है। कब ये स्कूल बना था? हम देख रहे हैं विद्यासागर गुप्ता जी, अटल बिहारी वाजपेयी। ये तो मैंने अभी नेम प्लेट पढ़ी है, 12 दिसंबर बता रहा है 1982 को, तब ये बना है स्कूल, तब से अभी ऐसा ही पड़ा हुआ है। शौचालय की भी समस्या है क्या? शौचालय बच्चे यहाँ पे, हमको लगता है कि सब नगर निगम जो शौचालय बना है सार्वजनिक, वहाँ जाते हैं। पानी पीने की क्या समस्या? पानी पीने की एक सामने नगर स्कूल में है टंकी, वो भी कई दिनों से ख़राब है। हम लोग ने पैसा लगा के अपने पास से बनवाया, फिर हम लोग सभासद के पास गए, वो बनवाते हैं, जब वो नहीं करते तो हम लोग अपने पास से बनवाते हैं। कोई नेता नहीं आता यहाँ पे कभी? यहाँ नेता आते हैं, बहुत नेता आते हैं, इसको गोद भी लिया गया है, सब लिया गया है। कौन आया अभी तक यहाँ पे? बहुत ने, विद्यासागर जी दो बार आ चुके हैं, और रविदास मल्होत्रा जी आ चुके हैं यहाँ पे। पैसा पास हो गया, कई बार हम लोग ने चिट्ठी लिखी नगर निगम को लिखी, मगर कुछ भी नहीं हो पाया। और यहाँ पे गोद भी लिया गया है, बीजेपी कोई मंत्री ने गोद लिया था, उस वो आए यहाँ पे, देखा भाली किया, उसके बाद कुछ नहीं है, वो चले गए। जब से हम लोग उनके पास जाते हैं कि कुछ कीजिए स्कूल के लिए, मगर कुछ नहीं करते। कूड़ा भी सब लोग यहीं पे फेंकते हैं? कूड़ा तो महल्ले का भी पड़ता है, एक ही जगह है, और यहाँ मलबा भी बहुत बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत मलबे की है। तो आप यहीं के रहने वाले लोकल जी? हम तो लोकल ही यहीं पे। मैम, यहाँ पे क्या समस्या है? बिजली हमने देखी नहीं है, और क्या क्या समस्या? लाइट तो यहाँ शुरू से ही नहीं है। लाइट शुरू से नहीं है? है ही नहीं। आप लोगों ने कहीं अपील की थी कहीं कोई? हाँ भैया, अपने वाले में तो सभी लोग कुछ ना कुछ करते हैं जी। बस, और पानी भी, ये टंकी भी खराब पड़ी है कब से, वो भी बच्चे पानी अपने घर से ही लाते हैं। शौचालय की क्या समस्या है? शौचालय अंदर है, ये बाहर वाला तो सब टूट गया है ना, मोहल्ले वालों ने सब गड़बड़ कर दी, सब इसकी सीटें तक वो ले गए निकाल के, नई सीटें तक लगी थी। इमारत भी काफ़ी जर्जर है? हाँ, ये पूरा ये बस इतना ही बचा है, बाकी तो ये सब जर्जर है। बिजली के विषय में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पंखा रखा हुआ है, कटआउट लगे हुए हैं, तार का कनेक्शन है जी। क्या समस्या रहेगी आखिर, मूल समस्या क्या है, बिजली क्यों नहीं आ पा रही है यहाँ पर? अब ये तो भाई हम नहीं बता सकते क्यों नहीं आ रही है, हमारे उसमें नहीं है क्यों नहीं आ रही है। आप लोगों ने कोशिशें की हैं? हाँ, कोशिशें तो हमेशा ही की जाती हैं, हमेशा। हम लोग क्या नहीं चाहते, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें, उनको भी गर्मी लगती है, चाहे तो हम लोग भी, लेकिन हमारे बच्चे गर्मी में रहते तो हम लोग भी वैसे ही रहते हैं। तो हाथ वाला पंखा लेके आते? हाँ, ये नहीं, यहीं पे है, ये यहीं पे खरीद रखा है, हाथ वाले से बच्चे लेते हैं, हम लोग सब लोग अपने ऐसे ही काम निकालते हैं। बेटा नाम बता दीजिए। विशेष। किस क्लास में पढ़ते हैं? थर्ड में पढ़ते हैं। हाँ। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या समस्या है? बिजली नहीं आती है क्या? नहीं आती है। कब से नहीं आ रही है आपने देखा? बहुत साल से नहीं आ रही है। पानी कहाँ पीने जाते हैं? यहाँ पे जाते थे, अब टंकी खराब हो गई। और टॉयलेट कहाँ जाते हैं? उधर वाले। बाहर जाते हैं स्कूल के? घर से पंखा लेके आते हैं क्या, हाथ वाला? तो ऐसे पढ़ाई करते हैं पसीने में? हाँ। बता दीजिए। निदा। निदा जी, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? फर्स्ट में। समस्या क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है? यहाँ लाइट नहीं आती। टॉयलेट की समस्या है? और पानी नहीं। और क्या समस्या है? बिजली आती है यहाँ? नहीं। कब से देख रहे हैं बिजली नहीं आ रही है? बहुत दिन से नहीं आ रही है? नहीं। टॉयलेट कहाँ जाते हैं आप लोग? बाहर। स्कूल के बाहर? हाँ।